वो पंजाबी में तो कहते हैं ना रब ने डेके को सुन सही है, तो इसलिए वो कॉन्स्टिट्यूशन करीब है कि सासू माँ, तो मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा और मेरा कतन कोई इलविल नहीं है बंजाल साहब की तरफ या उनकी सासू माँ की तरफ, मैं उनका सबकी बड़ी इज्जत है। सर जो तो जो सुप्रीम कोर्ट इस वक्त जो हो रहा है, तो आप नहीं समझते कि सुप्रीम कोर्ट के बिहाफ से भी यही काम हो रहा है? देखिए कल का जो ऑर्डर है जिसके बारे में कहा गया कि जल्दबाजी की गई है, वहाँ पे तो जज साहब जो थे वो बड़े आराम से इंतज़ार कर रहे थे, एक घंटे, दो घंटे, तीन घंटे, चार घंटे, पाँच घंटे के भी आके अपना मौकफ बयान करें, आके अपना मौकफ बयान करें। मैं हैरान हुआ उस ऑर्डर को देख के जिसमें नोटिस इशू किया गया और कहा गया कि एज इफ वो उनको अनहर्ड कंडेम कर दिया गया। जो शख्स अपना हियरिंग की अपॉर्चुनिटी को खुद ही ज़ाया करना शुरू कर दे, आए ही ना, उसको कैसे कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग नहीं दी गई? तो मेरे तो बड़े तहफ़ आते हैं उस ऑर्डर के बारे में जो उन्होंने कल पास किया। जी एक सेकंड, आपका सवाल था आपका सर तोशा खाना केस के हवाले से जो जज हुमायूं दिलावर ने फैसला दिया और कहा जा रहा है कि हक के दफा में नहीं दिया गया, इसके अलावा जल्दबाजी का मुजाहरा किया गया है कि दिन में तीन बार जो है उन्हें सिर्फ आधे आधे घंटे या घंटे घंटे डेढ़ डेढ़ घंटे की मोहलत दी गई, क्या आप इसमें ये पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन है जिस तरह नवाज शरीफ साहब को किया गया था विक्टिमाइज पोलिटिकली, अब इमरान खान साहब? हाँ नहीं, ये पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन इसलिए नहीं है कि गवाह जो है अगर अपना वो बयान देता है और फिर वो कहता है कि जी हमारे चार गवाह और आएंगे या छः गवाह या दस या कल को कह देता है मैं 100 गवाह कराना चाहता हूँ, तो फिर जज ये नहीं देखेगा कि उसकी रेलेवेंस क्या है उस एविडेंस की जो आने वाला है, ख़ास तौर पे जहाँ जहाँ डायरेक्ट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आ जाए तो वहाँ पर तो वैसे ही ओरल एविडेंस एक्सक्लूड हो जाता है, और गालिबन यही जज साहब के जहन में भी था। और ये जो कानून शहादत के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो असूल हैं, वो इतने ठोस है एविडेंस एक्ट में जो दिए हुए हैं कि उस पर जज को बिल्कुल ये इख्तियार है कि वो कह दे कि ये आप 50 गवाह, 10 गवाह, 4 गवाह, ये सारे इररिलेवेंट हैं, और यही उन्होंने किया है और ठीक किया है।